शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बिलासपुर शिक्षा विभाग से परिजनों के साथ सुझाव शैक्षणिक सत्र को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग बिलासपुर इस सारी रिपोर्ट को तैयार करने में लगा है। जानकारी देते हुए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सुदर्शन सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने पूरे प्रदेश भर के उपनिदेशकों सहित परिजनों से गूगल मीट के माध्यम से बातचीत की थी। ऐसे में बिलासपुर जिला के कुछ परिजनों ने अपने अहम सुझाव शिक्षा मंत्री के समक्ष रखे थे। ऐसे में मंत्री ने तुरंत प्रभाव से बिलासपुर जिला की सारी रिपोर्ट 9 जून तक अपने पास मंगवाई है। उपनिदेशक ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने गूगल मीट के माध्यम से जो बातचीत की थी, जिसमें स्कूल को खोलने और ऑनलाइन शिक्षा पर चर्चा की थी, वहीं कुछ जगहों पर मंत्री ने अपने सुझाव रखे और परिजनों के साथ बातचीत में उनको सुनाया था। सभी परिजनों को ये आश्वस्त भी किया गया था कि उनके बच्चों की समस्या और सुझाव को कैबिनेट में जरूर लेकर जाएंगे। ऐसे में उपनिदेशक ने बताया कि बिलासपुर जिला से भी कुछ परिजनों ने अपने अहम सुझाव शिक्षा मंत्री के समक्ष रखे, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने स्वयं जिला से रिपोर्ट मांगी है, जिसको तैयार करवाया जा रहा है। इसमें जो है ईपीटीएम के माध्यम से पेरेंट्स के साथ जो हमारा संवाद चला हुआ है ऑनलाइन, और इसकी शुरुआत जो है हमारी 4 तारीख को हुई थी। मंत्री महोदय ने इसका मतलब शुभारंभ किया था, शिक्षा मंत्री जी ने, और इसके लिए फिर पूरे प्रदेश में 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक सभी टीचर्स जो हैं बच्चों से जो है जुड़कर उनके व्यूज ले रहे हैं कि हर घर पाठशाला के तहत पढ़ाई जो है उसमें क्या बच्चों पर असर पड़ रहा है, कि ठीक है गलत है, या उनके सुझाव इस दिशा में, या कनेक्टिविटी का इशू हो या फ़ोन का इशू हो स्मार्टफोन का, तो इस तरह के इश्यूज जो होंगे, या रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स का इशू हो, तो उसमें जो फीडबैक है 8 तारीख तक हमारे बिलासपुर में भी लिए जा रहे हैं। 9 तारीख को मंत्री जी फिर इसको रिव्यू करेंगे और पूरे स्टेट का रिव्यू होगा, उसमें जो भी डायरेक्शंस हमें आएंगी उनका हम